हाँ जी, ये जो रोड बन रहा है इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? हमने प्रयास किया था और हम आज से नहीं, काफ़ी दिन से प्रयास में लगे हुए थे। हमने विधायक जी से बार बार कहा, विधायक जी की भी यही तमन्ना थी कि बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, बढ़िया करके बनाऊंगा। विधायक जी ने, हमने प्रयास किया, विधायक जी ने हमारी सुनी और आज वो दिन आ गया, देखने को मिल गया हमें और यह बनना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह बढ़िया होकर बनेगा और विधायक जी की बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी की भी तमन्ना थी, हमारी भी तमन्ना थी। बहुत अच्छी बात है। अभी नौशाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कयूम भाई जी, कयूम भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है आज हमारी। ये कम से कम 10 साल के अंदर ये सड़क बन रही है, विधायक जी की नीति से बन रही है और विधायक जी से एक हमें और उम्मीद है कि जो हमारी अंदर की गलियाँ टूटी फूटी हैं, विधायक जी ने वादा किया था कि मैं वो भी गलियाँ बनाऊँगा। 14-15 गलियाँ हैं जो कि उन्होंने पिछली बार हमसे वादा किया था और हम ये चाहते हैं कि विधायक जी अपने वादे पर खड़े उतरें ताकि हम उनके लिए मेहनत कर सकें, लोगों से वोटें मांग सकें, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताना है और अपने वार्ड से जैसे पहले यहाँ से वोटें डलवाई थी, इंशाल्लाह आगे को भी ऐसी वोटें डलेंगी, लेकिन काम करने के बाद अगर गलियों में हमारे काम कराएंगे तो इंशाल्लाह एक एक बच्चे बच्चे की वोट उनको पड़ेगी। वार्ड नंबर आपका क्या है? मेरा वार्ड नंबर है 83। जी नौशाद भाई, भाई लोगों, यहाँ आपसे पहले मेयर और MP भी रह चुके लेकिन उन्होंने कभी इस इलाके को पलट के नहीं देखा। वोटे ली, MP मेयर बने और घरों में बैठ गए, लेकिन अल्लाह ने हमारे बीच विधायक जी हाजी रफीक अंसारी को भेजा और हमने सबने मेहनत की मिल गए और उन्हें विधायक अल्लाह ने बनाया और हमने उनसे बहुत मेहनत की, प्रयास किया तो उन्होंने हमारी सुनी और अल्लाह के फजल से, कर्म से विधायक जी ने काम करा तो ये सड़क जो है हमारे विधायक जी बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें आगे भी विधायक जी से जो भी हमारे जो हमें उम्मीदें हैं इंशाल्लाह वो हमें पूरी होंगी इंशाल्लाह। और मेरी तो यह तमन्ना है आने वाले जो चुनाव आवेंगे तो इसमें भी हमारे विधायक जी आपके डबल वोटों से जीते हैं।